आधारतल पुलिस के आरक्षकों की वसूली से परेशान रेखाखंड के कार्यकर्ताओं ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तीन आरक्षकों पर जबरन वसूली करने का आरोप है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आधारतल थाने के तीन पुलिसकर्मी अवैध वसूली करते हैं, न देने पर जबरन मामला बना देते हैं। मामले में एसपी ने कार्रवाई की मांग की है। आज जयरेवा खंड के माध्यम से हम एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आए हुए हैं, जो कि आज आधारतल थाने के अंतर्गत जो हमारे थाना आधारतल पुलिस के जवान हैं, जिनका नाम रितेश शुक्ला, देवेंद्र सिंह एवं हरिओम तिवारी है, ये आए दिन मतलब लड़कों को परेशान करना, उनसे अवैध वसूली करना और 70,000 की डिमांड वो करते हैं और मतलब धारा 122 लगा के 151 लगा के फ्री में उनको अंदर करते हैं, जिससे कि लड़के परेशान हुए और आज एसपी ऑफिस की शरण में आए हैं कि एसपी साहब ये देखिए, आज इतने दिन हो गए हैं, 10 बार ये ज्ञापन देने आ चुके हैं, इसके बाद आधारतल थाने की पुलिस को बिल्कुल भी सुधार बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो आए दिन जो भी जितने भी ज्ञापन देते, बोले जितने ज्ञापन दोगे हम उतने बार तुम लोग को अरेस्ट करेंगे, उतने बार तुम लोग ऊपर मामले बनाएंगे, जिसके खिलाफ में हमारे एसपी ऑफिस आए हुए हैं ज्ञापन देने। जय रेवाखंड प्रदेश प्रभारी आनंद श्रीवास्तव।